हेलो दोस्तों, IMS के 0015 चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। आज हम लोग सीखेंगे एज वाले जो डिफरेंट वाला सवाल आता है ना मैथ में, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, वो भी शॉर्टकट ट्रिक में। ज़्यादा लंबा चौड़ा हिसाब किताब करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको शॉर्टकट ट्रिक में कैसे सवाल का आंसर देना पड़े दे सकते हैं उसके बारे में हम सीखेंगे आज। एज बारे में सवालों का जवाब जानने से पहले आपको एक चीज़ जानना बेहद ज़रूरी है, वो क्या है मैं बताता हूँ। अगर आपका एज 20 साल है, ठीक है, और आपका भाई का एज आपसे आधा आधा है, तो वो कितना होगा? 10 साल। तो फिर क्या, अगर आपको पूछा गया कि 50 साल बाद आपका एज कितना होगा, 50 साल के बाद 50 प्लस 20 प्लस 50 कितना हो जाएगा आपका एज? 70 साल, ठीक है। तो आपका भाई का कितना हो जाएगा? वो लोग बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि 20 साल का था, 50 साल के बाद 70 हो गया, तो 70 से आधा 35 कर देते हैं। वो गलत है, 35 साल नहीं होगा। अगर आपका एज 50 बढ़ा है तो आपका भाई का भी तो 50 से बढ़ेगा ना, थोड़े ना वो आधा बढ़ेगा, तो 50 10 60 साल। तो ये जानना आपको ज़रूरी है कि अगर आपका एज बढ़ता है तो भाई का भी एज बढ़ेगा। आधा अगर बोल दिया है तो उस पर थोड़ा ध्यान देना कि जब आपका 70 हो गया तो उसका आधा नहीं, जस्ट उसी समय का आधा है। तो अगर आप आगे बढ़ते जाएंगे तो ये भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। आपको ये पहले समझ जाना बेहद ज़रूरी था। तो फिर चलो दोस्तों, आज हमारा पहला सवाल करते हैं। ए एंड बी की आयु का अनुपात 5:7 है और दोनों की आयु की योग 60 साल है, तो बी की आयु कितनी होगी? तो किसी भी सवाल का जवाब देने से पहले आपको सवाल को समझना पड़ेगा। अगर आप लोग सवाल नहीं समझते तो आप जवाब भी नहीं दे सकते। सवाल को पहले समझिए, उसके बाद जवाब दीजिए, वरना आपका जवाब गलत ही होगा। पहले सवाल में क्या मांगा है वो देखिए, और क्या दिया है वो देखिए। क्या दिया है इसमें? ए एंड बी की आयु की अनुपात 5:7 है, तो इन दोनों का आयु की अनुपात 5:7 है, ये दे दिया है। और दोनों की आयु की योग 60 साल है, यानी 5:7 के अनुपात को मिला के कितना होता है? 60 साल। तो बी की आयु कितनी होगी? तो चलो हम देखते हैं कैसे इसका जवाब निकालते हैं। तो पहले क्या दिया है? 5:7, ए एंड बी की आयु के अनुपात 5:7 है, तो हम इन दोनों के अनुपात को मिला देते हैं। तो क्या होगा? पहले 5+7 इक्वल टू कितना हो जाता है? 12, ठीक है। उसके बाद क्या है, इन दोनों के अनुपात 60 साल है, यानी 12 के अनुपात कितना एज है? 60 साल है। तो हम उसको एक अनुपात का निकालेंगे। एक अनुपात का निकालना तो क्या करना पड़ेगा? पहले 60 में से निकाल देंगे हम 60/12 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 5। तो एक अनुपात का कितना एज निकल गया? 5 निकल गया। तो आपको क्या मांगा है वो देखिए, बी की आयु की अनुपात, बी की आयु के अनुपात ध्यान कितना है? 7। 7 × 7 × 5, तो 7 × 5 करने से आपको कितना निकल जाता है? 35। अगर आपको ए मांगा होता तो आप 5 × 5 कर लेते तो हो जाता 25, और आपको बी मांगा है तो 7 × 5 = 35, और 35 कितने में है? बी। तो आपका सही जवाब है बी। चलो दोस्तों, हम दूसरा सवाल करते हैं। सवाल क्या है? अगर x की आयु y की आयु से 2 गुना बड़ा है, 3 साल पहले x की आयु z की आयु का 1/4 थी, यदि z y से 3 साल बड़ा हो तो x की एज कितनी है? सवाल पढ़ लिए तो सवाल को समझिए। जब तक आप सवाल नहीं समझेंगे आंसर नहीं दे पाएंगे। आंसर देने से पहले आपको सवाल को अच्छे से समझना पड़ेगा। सवाल में क्या मांगा है और क्या दिया है? इसमें क्या कहा है? अगर x की आयु y की आयु से 2 गुना बड़ा है तो y की आयु कितना होगा? 2x हो गया। फिर क्या कहा है? z y से 3 साल बड़ा हो, z y से 3 साल बड़ा है तो x y की एज कितनी थी? 2x। तो y कितना हो जाएगा? 2x+3, ठीक है। x की एज हो गया तो y की एज हो जाएगा 2x, फिर z की आयु कितना हो जाएगा? 2x + 3,
ये हो गया जेड की आयु। तो अब आपको जवाब निकालना है। जवाब निकालने के लिए हम लोग स्कूल में क्या करते थे, या हमारा जो पुराना तरीका है वो एक्स की वैल्यू ए ले लेते, फिर निकालते वाई की एज निकालते 2a, फिर जेड की निकालते 2a+3, फिर इसको मल्टीपल 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 वगैरह 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 करके हम लास्ट में आंसर निकाल दें। तो हमको ये नहीं करना है, हमें नया शॉर्ट ट्रिक अपनाना है। शॉर्ट ट्रिक क्या है, हम लोगों के पास जवाब ऑलरेडी है तो इन्हीं जवाबों को उसमें पुट कर देंगे। उसमें पुट करने से एक दो सेकंड में ही आप लोग आंसर निकाल दे पाएंगे। वो कैसे आओ देखते हैं। अगर हम 4 पहले ले जाते हैं, 4 पहले लेके एक्स की जगह वहाँ पे 4 लिख दिए, ठीक है, तो 4 ले लिए और उस वाई की वैल्यू कितनी, जेड की वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 × 2 = 8, 8 + 3 = 11, ठीक है। तो हम लोग का जेड निकल गया 11। तो सवाल में क्या कहा है, 3 साल पहले एक्स की आयु जेड की आयु का 1/4 थी, 3 साल पहले था। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 3 साल निकाल देंगे, ठीक है। 3 साल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 और यहाँ पे हो जाएगा 8, ठीक है, तो 8 हो गया। तो क्या इसका 1/4 थी का है, तो इसमें इसको 1/4 में हम बाय कर लेंगे। तो क्या होगा, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, तो ये 2 निकल गया। तो ये 1/4 हुआ क्या, नहीं हुआ। तो हम दूसरा आंसर को वहाँ पे जोड़ेंगे, दूसरा आंसर जोड़ेंगे तो हम फिर लेंगे 6, ठीक है। तो x की वैल्यू वहाँ पे लिख देंगे कितना, 6, ठीक है, तो 6 लिख दिए। तो z कितना होगा, 6 × 2 = 12, 12 + 3 = हो गया आपका 15, ठीक है, 15 हो गया। तो अब क्या करेंगे, इसको 3 साल पहले वही पर तरीका, 3 निकाल देंगे, निकालने से ये कितना हो जाएगा, ये 3 और ये हो जाएगा 12, ठीक है। तो फिर इसका 1/4 वही निकालेंगे, 1/4 निकालेंगे तो ये कितना निकल जाएगा, इक्वल टू आपका हो जाएगा 3, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, तो ये हो जाएगा 3। तो ये आंसर हो गया, 3 और 3 मैच हो गया। तो आपका सही, तो आपका सही जवाब कितना है, बी। कुछ नहीं, जस्ट 2 मल्टीपल किए, हम लोग का आंसर निकल गया। वो पुराना तरीका ए बी सी वगैरह वगैरह टुगेदर करते, वो सब बहुत झंझट है भाई, एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलता है करने के लिए। तो आप क्या करेंगे, आंसर को पुट कर दीजिए, सब फॉर्म अपना लीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो तो छोड़िए, मेरा प्रोसेस अगर अच्छा लग रहा है तो आप एक लाइक और शेयर कर लीजिए। आगे बहुत सारा मैथ ट्रिक दे दूंगा, अच्छा लगेगा आपको शायद। चलो आइए दोस्तों, तीसरा सवाल करते हैं, वो भी शॉर्ट ट्रिक में। सवाल ये है, माँ और बेटी दोनों के आयु की योग 32 साल है। 3 साल पहले बेटी की आयु की माँ की आयु का 5 गुना था। उस टाइम माँ और बेटी की आयु कितनी थी। सवाल देखते ही आपको लग रहा होगा, अरे यार ये कैसा सवाल है, इसका जवाब कैसे निकालेंगे, इसमें तो कुछ दिया ही नहीं। अरे हमको सवाल का जवाब निकालना नहीं है यार, हमको सवाल का जवाब दे दिया है ऑलरेडी, हमको इसी में से कोई तो एक आंसर है ना, तो इसको ही पुट करके हम उसका जवाब निकाल लेंगे। तो उससे पहले क्वेश्चन को पहले से अच्छे तरह से समझ जाइए, ठीक है। तो हम उस, चलो आओ देखते हैं कैसे शॉर्ट ट्रिक से निकालते हैं। तो हम पहले ले जाते हैं ए को, था 23, ठीक है, 23, और बेटी की आयु कितना है, 9। हमें क्या कहा है, 3 साल पहले बेटी की आयु की माँ की आयु का 5 गुना था, 3 साल पहले। तो हम इसमें से 3 घटा देते हैं, ठीक है, 3 घटा देने के बाद ये कितना हो जाएगा, 9 में से 3 चला गया, हो गया 6, और 23 में से 3 चला गया, ये हो जाएगा 20, ठीक है। तो हम इसको मल्टीपल कर लेते हैं, मल्टीपल करने से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 × 2 = 12, ये इक्वल टू ये हो गया आपका 120। तो आपको क्या कहा है, माँ और बेटी की आयु 5 गुना था, तो 20 × 5 ये हो जाता है आपका 100, ठीक है। तो 120 और 100 ये हुआ क्या 5 गुना, नहीं हुआ, तो ये गलत है, ठीक है।
फिर हमको क्या करना है, दूसरा ऑप्शन लेंगे 24 और 8, 24 और 8, फिर वही करेंगे, 3 साल पहले है तो 3 3 निकाल देंगे, 3 3 निकालने से ये कितना आ जाएगा, 8 में से 3 चला गया तो हो जाएगा 5, 24 में से 3 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 21, ठीक है 21, इन दोनों को गुण लेते हैं तो 21 इंटू 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 इक्वल हो जाएगा आपका 5k 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये हो गया आपका 105। तो क्या कहा है, जब आप 5 माँ और बेटी की आयु 5 गुना है था तो हम ये फिर क्या होगा, 21 इंटू 5 इक्वल टू हो गया आपका 105, तो 105 हो गया, तो ये आ गया 5 गुना, तो चलो इसका तो सही जवाब हो गया बी। और एक ट्रिक है वो बता देता हूँ, अगर सवाल में से आपको ये 23 प्लस 9 ये हो जाता है 32, ये अगर नहीं दिया है तो जिस ऑप्शन में दोनों मिला के 32 होता है वो जवाब सही है। तो चलो उसके बाद अगर आपके ऑप्शन में अलग अलग नंबर दिए हैं, ये 23 जगह 80 90 ये अलग अलग नंबर दिए हैं, और तो आपको क्या करना होगा, बेटी की उम्र जो है कितना का है, 3 साल पहले, तो बेटी की उम्र में से 3 साल पहले निकाल देना, तो वो कितना का है 5, जिसमें से 5 आए तो 8 में से 3 निकाल देंगे तो ये कितना आ जाता है 5, तो इसी को समझ देखना कितना है 5, तो आपको उसी में से निकालना है जितना निकालो जो 5 गुना हो, तो अगर जिस ऑप्शन में से उसी साल को घटाने से 5 आएगा वही ऑप्शन सही है। तीनों ट्रिक है, आपको सवाल देखना है, ऑप्शन देखना है, जो आपको अच्छा लगे, जिस जो ट्रिक आपको उसमें से सही लगे उसी को, उसी के ऊपर आंसर आपको निकालना है। चलो चौथा सवाल करते हैं, ठीक है, वो भी एक शॉर्टकट ट्री, इसको कहते हैं पूरा सबसे ज़्यादा शॉर्टकट ट्री, जिसमें आपको कोई सी भी पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी या कुछ 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 करना नहीं, सिर्फ सवाल देखो आंसर निकल जाएगा। कैसे देखते हो, ऐसे सवाल आए ना तो सिर्फ देख के ही आंसर निकल जाएगा। एक माँ और बेटी की आयु के अनुपात क्रमशः 15:5 है, 10 साल पहले उन दोनों के अनुपात 5:1 थी, ठीक है, नाउ अभी माँ की आयु कितनी है, तो आपको क्या करना है, ऐसे सवाल है ना तो सिर्फ देखो आंसर निकालो। कैसे, ये देखो इसका आंसर बी है, वो क्यों पता था, ये 15 किसमें से डिवाइड करने से 15 आपको 0 आएगा, 55 में करेंगे तो नहीं होगा, 60 में करेंगे तो नहीं होगा, 65 में करेंगे तो नहीं होगा, 70 में करेंगे तो नहीं होगा, 15 को 60 में करेंगे तो होगा यार, 15 × 4 = 60, ठीक है, तो आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ देख लिए 15 × 4 = 60 हो रहा है तो ये जवाब सही है। अगर बिलीव नहीं हो रहा है तो आप लोग खुद वो ए बी एक्स लेके करके देखिए, जवाब 60 ही आएगा। अगर ऐसा सवाल आए तो अगर इसमें कुछ ज़्यादा ऑप्शन में सिर्फ एक ही का एच मंगा हो तो आप डायरेक्ट ऐसे आंसर पुट कर सकते हैं, इसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हेलो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मैथ की ट्रिक्स अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि शायद आपको मैथ का ट्रिक्स ही अच्छा लगा होगा, वीडियो तो इतना अच्छा नहीं लगा क्योंकि मैं इतना अच्छा नहीं बोल पाया हूँ, तो फिर भी अगर आपको मैथ का ट्रिक्स अच्छा लगा है तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, और ये ट्रिक चाहते हो कि कोई और भी देखे तो उसको शेयर कर देना, नया नया चैनल है भाई थोड़ा सपोर्ट तो करो यार, कितना घंटा मेहनत करके हम लोग एक वीडियो बनाते हैं, आप ही लोगों के लिए बनाते हैं, खुद के लिए तो नहीं थोड़ी ना बनाते हैं, तो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू दोस्तों।